यानी मोदी खुद आए और कह गए कि मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने नारा दिया था अच्छे दिन आने वाले हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई थी। अब 2019 आ गया है, लोकसभा चुनाव भी आ गए हैं। इसके लिए पीएम मोदी ने टोंक में शंखनाद किया, साथ ही इस बार राजस्थान की धरा से नारा भी नया दे गए और वो है मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इस नारे के साथ केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनना मुमकिन है या नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। ...2014 में नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं। आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, अच्छे दिन। 2019 का नारा आ गया, मोदी है तो मुमकिन है। आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चाएं ही हुआ करती थी। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई है तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी को नया नारा मिल गया है। राजस्थान के टोंक में विजय संकल्प रैली में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी के लिए चुनावी अभियान का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने जब पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया तो मैदान में बैठे लोगों के साथ टीवी पर पीएम को देख रहे लोगों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि पीएम देश के सामने एक नया नारा दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पीएम का भाषण आगे बढ़ता गया, पीएम मोदी अपने इस नए नारे का प्रयोग बढ़ाते गए। देश के लोगों के लिए अपनी सरकार के काम गिनाते मोदी हर बार ये कहना नहीं भूले, मोदी है तो मुमकिन है। आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चाएं ही हुआ करती थी। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई है तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया जानती है कि पीएम मोदी शब्दों के शहंशाह हैं। किस शब्द को कहां, कब और किस अंदाज में बोलना है वो खुद तय करते हैं। लिहाजा पुलवामा हमले के बाद देश में बने हुए माहौल को देखते हुए वीरों की धरती राजस्थान से पीएम ने अपने नए नारे को आवाज दी है। गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए ये एक ऐसे शख्स के शब्द हैं जिसने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सियासत के शीर्ष तक का सफर तय किया है। वो शख्स जो है देश की सियासत का सबसे बड़ा सूरमा, अजय सोच का विराट व्यक्तित्व जिसके साहस और हिम्मत का दुनिया ने भी लोहा माना है। 2014 में अच्छे दिन का वादा करने वाले मोदी अब 2019 आते आते खुलकर कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया और 20 लाख पूर्व फौजियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए के एरियर भी दे दिए। ये काम इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि टोंक में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करते कितनी बार नए नारे का इस्तेमाल किया। मोदी ने वन रैंक वन पेंशन पर कांग्रेस को घेरे में लेते हुए कहा कि 20 लाख फौजियों के लिए सरकार ने काम किया और ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने कहा कि 1.5 करोड़ परिवारों को पक्के घरों की चाबी दे दी गई और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जन योजना का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि क्या कभी सोचा जा सकता था कि 4.5 साल में राजस्थान के 2.5 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल जाएंगे, ये हो पाया क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ 1 रुपए के प्रीमियम पर राजस्थान के 70 लाख लोगों का
2 लाख रुपए का बीमा हुआ और ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। गरीब सवर्णों के आरक्षण का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दशकों से हो रही मांग पर किसी सरकार ने गंभीर प्रयास नहीं किया। आज पहले से मिल रहे आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना गरीब सवर्णों का 10% आरक्षण हकीकत है और ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान के करीब करीब 50 लाख गैस कनेक्शन देकर हमने ये भी संभव कर दिखाया, ये भी काम हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। 4.5 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्के घर की चाबी दे दी जा चुकी है। हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे पाकर रहेंगे क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। राजस्थान के टोंक की विजय संकल्प रैली में अपने 38 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि आतंक की फैक्ट्री का काम अगर मेरे ही हिस्से आया तो ठीक है, लेकिन आतंक का जिक्र करते हुए पीएम कश्मीर के बच्चों और छात्रों के लिए अपनी चिंता का जिक्र करना भी नहीं भूले। इन सबके बीच एक बार पीएम ने चुनावी माहौल में अपने विरोधियों से काफी लीड ले ली है। 2014 का अच्छे दिन आने वाले हैं नारा अभी लोगों की जुबान पर है और अब इससे पहले के विरोधी उनके पुराने नारे की काट ढूंढ पाते, मोदी ने एक नए सिरे से उनको लाजवाब कर दिया है। अब कांग्रेस समेत दूसरे विरोधियों को मोदी है तो मुमकिन है से कुछ बेहतर की तलाश करनी होगी। टोंक से योगेश, ऐश्वर्य और श्वेता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि शहीदों के परिवार वालों की मदद के लिए हर हिंदुस्तानी खड़ा है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों पर अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मुंबई हमले के बाद आतंकवाद को जवाब नहीं दे पाए। ऐसे लोग ना देश के जवान के हैं और ना ही देश के किसान के। मोदी ने कहा कि देश की लड़ाई कश्मीर के लिए है, ना कि कश्मीरियों से। सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय श्री डिग्गी कल्याण धनी जी, अन्नपूर्णा डूंगरी गणेश जी न वंदन, भगवान श्री देव नारायण जी री धरती, मांडव ऋषि री तपोभूमि, टोंक न नमन। यही इसी राजस्थान में इन्हीं लोगों ने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, ऐसा कहा था ना। 10 दिन पूरे हो गए क्या? उनके तो कैलेंडर में 10 दिन पूरे होते ही नहीं है। भाइयों बहनों, आप बताइए, क्या वादे के मुताबिक कर्ज माफी हुई क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ, देश सुने, क्या कर्ज माफी हुई क्या? 10 दिन का वादा किया था कि नहीं किया था? और अभी हमारे विपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया बता रहे थे कि जरा हिम्मत है तो आंकड़े घोषित करो, आंकड़े घोषित करो, कितना रुपया दिया, किस किसान को दिया, नहीं करेंगे। भाइयों और बहनों, खेती के साथ साथ पशुधन को बेहतर बनाने के लिए गौ माता और गौ वंश की सुरक्षा और संवर्धन के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। अब एक काम धेनु आयोग बनाया जा रहा है जो गाय की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े तमाम कायदे कानूनों को सही तरीके लागू करने में सहायक सिद्ध होने वाला है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। टोंक और सवाई माधवपुर की धरती से मैं पुलवामा में
बलिदान होने वाले वीर शहीदों को नमन करता हूं। मुझे अपने वीर जवानों पर गर्व है जिन्होंने 100 घंटे के भीतर ही अपने साथियों पर हुए हमले के एक बड़े गुनहगार को वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जगह थी। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। जब कुछ लोग, भले वो 2 हो 4 हो 5 हो, लेकिन ऐसे लोगों की ऐसी हरकतें उन लोगों को ताकत देती है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वालों को आशीर्वाद देने जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ये नारा देने वाले लोगों को, आशीर्वाद देने वालों को ताकत देने का पाप मेरे देश का कोई नागरिक नहीं करेगा।